पाकिस्तान में विराट कोहली के नाम से मशहूर क्रिकेटर डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। जी हां, पाकिस्तान के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज अहमद शहजाद डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर विराट कोहली का हमशक्ल कहलाने वाले शहजाद को हाल ही में हुए डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। शहजाद पर नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन का आरोप है। ये डोप टेस्ट अचानक से लिया गया था, जिसके बाद पीसीबी की एंटी डोपिंग कमेटी ने उन्हें कसूरवार पाया। पीसीबी ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद अब पाकिस्तान के इस बल्लेबाज पर बैन लगना तय है। खबर है कि शहजाद पर 3 महीने का बैन लग सकता है। हालांकि इससे पहले शहजाद पीसीबी के सामने अपनी सफाई रखेंगे। अहमद शहजाद के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के फैंस उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी डोपिंग में पकड़ा गया हो। इससे पहले पाकिस्तान के शोएब अख्तर, अब्दुल रहमान, रजा हसन और मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ी भी डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। वहीं भारत के यूसुफ पठान भी डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं, जिसके चलते यूसुफ पर कुछ महीनों का बैन भी लगा था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।